ये कटन स्केच वेन तो लेंस लगाना मेरे लिए कितना ज्यादा इतने के मान। सो ये सब लोग अभी निकल रहे हैं, फाइनली कैब आ गया। फाइनली उल्टा बैठी थी लाइक सीरियसली वीडियो बनाने के आज तक। Assalam alaikum everyone, it's me Lovely Khan. You can call me Ruksia also. So welcome back to my new vlog of Hello, Assalamu alaikum everyone. It's me, Lovely Khan. You can call me Ruksia also. So welcome back to my new vlog of Ramadan. और आज चांद की रात भी है, मतलब चांद रात है, कल ईद है, तो रमदान ही बोल सकते हैं ना। सो या वेलकम बैक टू माई लास्ट वीडियो ऑफ रमदान। मैं रमज़ान को बहुत मिस करूँगी, और आप भी कमेंट करके बोलना कि रमज़ान के वीडियोस आपको कैसे लगे, क्या रमज़ान की लाइफ आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगा सच्ची में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम रमज़ान में अल्टरनेट नहीं डालूंगी, रेगुलर डालूंगी, बट इस बार तो हो गया है तो, और इंशाल्लाह मैं ये भी कोशिश करूंगी कि रमज़ान के बाद भी रेगुलर रहूँ बोलकर। देखते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना और मुझे मोटिवेट मिलता, और सब्सक्राइब अभी से कर दो, लाइक शेयर भी कर देना। आप सब्सक्राइब करें तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा न्यू हेयर कट है, मैंने इसके ऑलरेडी रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डाल दिया होगा, आप देख लो जाके। जुम्मा, तो मैं सोची कि अलविदा जुम्मे के दिन कुछ अच्छा पहनूँ, तो यस मैं ये वाला आउटफिट पहन लिए। पूरा बैकग्राउंड आपको सब दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यस, दिस इज माय आउटफिट। पुकार रहे तो सुन रहा नहीं तो पुकारते। मेरे व्लॉग में पूरे पुकारे सुन जा रहा तुम्हारे, कहाँ चलो लगा रही। इसको आईब्रोज बनाना था, हमारा घर में इतना अच्छा चार्ज था, इसको आईब्रोज बना लो बोलते, आईब्रोज नहीं बना के बाहर जाने का रखी, क्या बोलू मैं इसको। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जस्ट अभी मेरी असर की नमाज हुई, तो मैंने सुना है कि अगर आप जुम्मे के दिन या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ेंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, मतलब आपके घर में बरकत बढ़ेगी और रहमत बढ़ेगी बोलकर मैंने अभी जस्ट देखा है, तो मैंने सोचा आप ही को भी बता दो, और मैं भी वही पढ़ लेते बैठी थी। तो जब भी मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग आती है कि आपको भी शेयर करना चाहिए तो आपको भी अच्छा होगा, आपकी लाइफ में भी मेरी वजह से अगर आप पढ़ोगे और आपको कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी लाइफ, किसकी लाइफ कैसी परेशानियों में, किसकी लाइफ क्या है नहीं बोल सकते। तो इट्स ओके, मैं अगर मुझे कुछ भी ऐसे वसीले पता होते तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। आपको भी अगर कोई ऐसे वसीले पता है तो आप कमेंट डाउन करके बोल सकते हो। मुझे जस्ट 6 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच बनाएंगे, और सैंडविच इफ्तारी तो है कैसा भी, थोड़ी बहुत इफ्तारी सैंडविच बनाते हैं। मम्मी तस्बीह पढ़ लेते बैठे हुए, जो मैं बोली थी ना आपको, वही मम्मी वसीले की तस्बीह पढ़ रहे हैं। सैंडविचेस में जो ऑलरेडी बताई थी, देखो आप स्वीट कॉर्न के फर्स्ट रोजे में जो बताया था मैंने, चीज़ प्लस स्वीट कॉर्न प्लस मायोनीज जो सैंडविच बताया था, जो फेवरेट बनी थी सबकी, वही मैंने फिर लास्ट रमजान को भी बनाया है। एंड यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स उबाले गए क्योंकि आपको इजीली पील आउट करने के लिए इजी हो जाएगा। सो यार, दिस इज द इफ्तारी ऑफ दिस। लका सुमतु विका मंतु वही लेका, रमजान का आखिरी रोजा, हम लोगों थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेना था एंड लेंसेस लेना था ईद के लिए, तो हम लोग मॉल चले। गाड़ी कैसी भी चलो बट गिराती तो नहीं, और ऊपर से काशिफ गाड़ी बहुत खराब कर दिया, मानो बहुत मुश्किल से चलाना पड़ रहा। मैं लेती हूँ ये लस्सी, तो लेती हूँ, चलिए। सोलो कवर नहीं लेके था, पकड़ लेके जाना अच्छा दिखता शायद, नहीं
अर्शिया ऐसे पकड़े हुए रहो मैं चाबी खोले तक। अच्छा है शब पीते रहे, पीछे बैठ के पीते रहे। मैं कहता कि गाड़ी चलाते चलाते पियो। काई को लिए थी तू, आगो नहीं पसंद आया तो। मैं ब्लू कलर के ली थी और अर्शिया डार्क ग्रे कलर के लेंसेज लिए थे। फिर घर को आने के बाद मम्मी सेमिया भी तल दिए थे और ड्राई फ्रूट्स भी तल दिए थे। देन मैंने सुकून से ईशा की नमाज पढ़ी, सभी के लिए दुआ किया। मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था, रमजान चले जा रहा बोल के, तो मैंने सुकून से इत्तेराम से नमाज। अस्सलाम वालेकुम। तो जस्ट मेरी अभी ईशा की नमाज हुई और मम्मी और अर्शिया दोनों मिलके मेहंदी डालने के वास्ते चले गए। तो अब मेरे को भी जाना है, तो मैं सोची थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। रेडी सो यार डन। मैं थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक लगा ली थी, लाइट लिपस्टिक लगा ली तो भी इतना हो गया। और मैं आपको काशिफ का कुर्ता बताना चाह रही हूँ कि वो इतनी अच्छे से लटका के रखा है, तो चलो बताती हूँ। सो यार ये है काशिफ का कुर्ता, इसका फैब्रिक आप देख सकते हो। इसका एग्जैक्टली ये हम लोग चॉइस क्यों करे बोले तो, वो जो मूवी है देखो तू झूठी मैं मक्कार में, तो उन्हें रणवीर कपूर शो मी द ठुमका टा 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 ठुमका, उसमें जो ब्लू कलर का पहनता ना, तो मुझे एग्जैक्टली ब्लू कलर का लेना बोल के था उसके लिए। बट वो बोला कि नहीं मुझे ब्लू उतना खास नहीं दिख रहा, तो हम लोग ग्रे में चले गए। बट ये भी बहुत अच्छा दिख रहा कलर, क्योंकि ऑब्वियसली जाना है ना मेहंदी डलाने के लिए, सब चले गए, मेरे को अकेले छोड़ के। ढोल लगाओ और जैसे हर दिन अलार्म बजता है ना सहरी का, तो आज भी बजा था, तो मैं ऑफ करने के लिए उठी थी क्योंकि मम्मी उन लोग की नींद खराब हो जाती बोल के। एंड देखो मेरे अभी तक मेहंदी लाल नहीं हुई, पता नहीं क्यों, मैं मेहंदी वालों को पूछूंगी। लेंस लगाना मेरे लिए इतना ज़्यादा हेडेक है मालूम, इतना ज़्यादा। और सिर्फ एक ही आँख में लेंस लगाया मैंने अभी। मैं ईद का आउटफिट भी नहीं बताई आपको, ईद मुबारक भी नहीं बोली। सो यस मैं दो भी लेंसेस लगा ली, आपको दिख रहे होंगे। अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी फील कर रही हूँ। थोड़ा ये है कि कब चुभ रहा, देखो लेंस इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर जा रहा। और मेरी मेहंदी देखो अभी तक भी लाल नहीं हुई, पता नहीं क्यों, देखते हैं। अभी रात तक इंतजार कर रही हूँ मैं, मेरे को नींद आ जा रही मालूम है, हम लोग ट्रांजेक्शन्स करने के चक्कर में। तो मैं सोचा कि नहीं भाई अभी खा लेंगे खाना, तो आपको मैं सोची थोड़ा सा बता दूँ हमारे घर में पका क्या है। हमारे घर में हर बार का सेम रूटीन, मम्मी की स्पेशल हाथ की स्पेशल चिकन बिरयानी, तो खाते चलो। लेग पीस डाले बट प्लेन है पूरी। मेरी मेहंदी अभी तक लाल नहीं, अभी देखो गाइस। सो यस गाइस आइए बिस्मिल्लाह करिए, आपके घर में क्या क्या बना था ईद के दिन स्पेशली बोलिए। और मैं अभी तक ईद का ड्रेस क्यों नहीं पहनी हुई है बोले तो, ईद का ड्रेस जब से पहन के थी मैं नमाज पढ़ने के टाइम पे। अभी मेरे को ना इंस्टाग्राम पे ना रील्स के ट्रांजेक्शन करना था, तो इसीलिए मैं टी शर्ट पहन ली। तो ऑब्वियसली अच्छी दिख रही। सो गाइस मैं कैसी दिख रही थी, मेरे साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हुए, हाथ से हाथ से हुए, क्या बोलते, लेंस निकालना पड़ा, फिर लगाना पड़ा।
आपको कैसा दिखा हम लोग का ईद लुक जरूर बताना। इसका हमें शॉर्ट वीडियो पे भी डाली, इंस्टाग्राम पे भी डाली, बट ये हमेशा अर्शिया का ऐसी रहता है, अर्शिया कभी भी डालने नहीं देती मेरे को ना, उन्हें शूट करती है। एटलीस्ट तू तो शूट तो कर सकती है, अर्शिया मैं कैसा रेडी करी बोल के। ये देखो दी, ये हम लोग के ये हमारे क्यूट बचपन के पर्सेस से जो ईदी रखते हैं हम लोग, तो मैं सोची कि इस बार हम लोग फिर से ये यूज करते। और आप देख सकते हैं हमारी मेहंदी कुछ हाथ पे चढ़ी है, कुछ हाथ पे नहीं चढ़ी है, तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे को तो ऐसी चढ़ी, मैं ऐसा करके लूंगा फोटो। तो आप मेरा मेकअप गिन के ला रहे पैसे, मम्मी गिन के ला रहे पैसे, तो चलो चलो बता, फोटो लूंगी वीडियो समझी। ये मेरा क्यूट सा पर्स है यार। दीदी बोल रहे कि ये मेरे दीदी का था, ये मेरे को मालूम है, ये मेरा था तो ये तुम्हारा था, व्हाटएवर कौन सा भी एक है। मिली मिली ना दिया, मिली मिली ना दिया। आप बोलना कि मेरा हर वो चीज कैसा दिख रहा है आपको, मेरे ईद लुक के रिलेटेड हर चीज। चलो ईद को ना होता हर एक चीज जाकर लेके आई थी। और मैं आउटफिट भी बता दो बीच बाद में। ईद का ड्रेस है मेरे लेके नहीं मिले, ये मम्मी का एक्चुअली ईद का ड्रेस नहीं होता है, नॉर्मल सी लाने में है। तो वो कब पहनते मम्मी? पहनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छे दिख रहे हाँ। तो मैं आपका बता दूं लुक क्या, मीशो से बुक करें से गाइस। मेरा दिल बदल दे, नहीं मेरे को 500 दिए थे हमने, 500 दिए थे तो मेरे को 100 रुपए कहीं को कट हो गया। मैं एक साल अच्छी नहीं थी क्या अम्मी के साथ, अम्मी पेनल्टी में 100 रुपए काटे। One day later. So hello guys, ये next day है, ईद का second day और मैं आपको सेम दिख रही हूँ, मेकअप सेम, ड्रेस सेम, सब सेम। सो यस, हम लोग एक्चुअली रिलेटिव के पास जा रहे थे, मतलब हमारे चाचा लोग के पास जा रहे थे, तो मैंने सोचा तो ईद के ड्रेस पे ही आपको ईद ईद दिखती है और else नहीं दिखती। पिन लगा लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हेयर्स खुले रहे ज्यादा, तो मेरे छन छन की आवाज आ रही होंगी, बट मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कभी भी ईद के दिन चुड़िया नहीं पहनती थी, हाँ पहनती थी, वो बहुत बचपन का टाइम था। अभी वो बचपन को, बचपन की यादें ताजे करने के लिए मैंने सेम पहना और अच्छा दिख रहा है, पूरे ऐसे पहने, बस मम्मी ड्रेस चेंज करे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी का भी ड्रेस देखे क्योंकि मम्मी का थोड़ा है नहीं बराबर है, कल के जैसी चाहे। और हम लोग लेंसेज भी लगाए, देखिए आप लोग, मैं ब्लू कलर के लेंसेज लगाए, अर्शा डार्क ग्रे कलर के लेंसेज लगाए। आपने देखा होगा कि ये वाली जूती हम लोग पहनने वाले हैं अब। Yeah।
काशिप भी रेडी हो गया और हम लोग भी रेडी हो गए। हम लोग बुरखा पहन लिए और मम्मी भी बुरखा पहन के रेडी हो गया और अर्शिया भी। सो अभी हम लोग ऑटो का वेट करें, हम लोग अभी जस्ट ऑटो बुक करें। सो यस, हम लोग अभी निकल रहे हैं। फाइनली कैब आ गया, फाइनली जब से सता सता के कैब अभी आया। Few moments later. हम लोग फाइनली चाचा लोग के पास पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बता दूं आपको। मम्मी फिर बुरखा चेंज करे और झूले पे बैठ गए, तो उनकी खुशी देखो झूले पे बैठने के बाद की। एंड देन हम लोग बाहर निकल गए थे थोड़ा सा फोटोज लेने के लिए। थोड़ा सा अर्शिया को बुलेट पे फोटोज लेना था और मेरे को भी थोड़ा सा ईद के लिए लुक बताने के लिए फोटोज लेना था। और हम लगना झूठ बोल के निकले कि हमारे फ्रेंड्स के पास जा रहे बोल के, बट ऑप्शन नहीं था। देखो ये बालापुर रोड पे तरकारी की मंडी थी और स्पेशली मुझे सनसेट यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा क्लिप बता दूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट बनाने के चलते चारे। सो यार, दिस वाज द लोकेशन जो हम लोग फोटोज ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम पे। सो यार, यहाँ का सनसेट भी बहुत मस्त है। देखो अच्छा कैसा है फोटोज, दना दन डालना है राइट। मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है फाइनली इतनी फोटो थोड़ी अच्छी जगह पे आ गए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कौन सा एक चॉकलेट नाइस, वाओ ये अच्छा है, ये अपन ले लेंगे। अभी केक काटते नहीं, नहीं केक काटते किस लिए, मैं ले रही हूं। ओ अब भी देखे, मैं देखी पहले कौन से कौन देखे, मैं ना खोलियो जी केक काटते। अरे सबर तो बंदा काजी, अरे अरे टिंग टिंग सब बराबर है ना बाहर। राधिया मेरे को भी केक मुबारक, वो भी तो अच्छा लगा। A few hours later. So yes guys, finally ईद खत्म। अम्मी हम ना सब्जी ने मिलके ईद मुबारक नहीं बोले, अम्मी नहीं बोले, बोले नहीं बोले। प्लीज गाइस कमेंट करके बोलो, मेरे को तो जितना अंदाजा है हम ना नहीं बोले। सो हमारे सब की तरफ से ईद मुबारक, और भूल गए तो प्लीज सॉरी। मम्मी के तरफ से भी, काशिप के तरफ से भी, अर्शा के तरफ से भी, मैं बोल देती हूँ आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। के पास हम लोग तो ईद मिलने के ऐसे गए थे, तो वहाँ पे जाबिर का भी बर्थडे था, तो हम लोग जाबिर का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। इंशाल्लाह उन लोग भी हमारे पास आएंगे, अगर आएंगे तो मैं आपको कैसा बताऊँ, व्लॉग लूँ क्या, देखेंगे। अगर हो सका पॉसिबल तो स्टेप पे मैं व्लॉग लेती हूँ जब चाचा लोग आते। ऑब्वियसली बता तो नहीं सकती, बट इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग लेती हूँ अगर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग रहा तो। छोटी सी ईद का सेलिब्रेशन हमने जैसा भी सेलिब्रेट किया, थोड़ा सोते हुए, थोड़ा ऐसे वैसे जैसे वैसे, जैसा भी किया मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे आपको मेरे वीडियो अपलोड करने पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। या बाय गाइस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। बाय।